जस टीवी देख रहे हो तुम, मैं केपी सिंह तुहाडा स्वागत करता है। पाकिस्तान दे विच करतारपुर लांघा, भारत दे विच करतारपुर लांघा, दोनों दे आपस विच सांझ पवे, ये लंबे चिर तो दहाकियां तो अरदास हो रही थी। इस अरदास दे विचाले नवजोत सिंह सिद्धू दे मामले ते क्रैडिट वार शुरू हो गई। नवजोत सिंह सिद्धू कोई हीरो कहन लग पाया, कोई जीरो कहन लग पाया, कोई कहता कि दोहां सरकारां दा फैसला सिद्धू कौन है, बहुत सारे सवाल पूछे जाण लग पे। इन्हां सवालों के विचाले सिद्धू की जफ़ी ते सवाल चुके गए, तो जो सिद्धू हुण वापस परतिया तो एक तस्वीर ने पूरा बवाल मचा दिता। उस तस्वीर ते तरह तरह के सवाल होने लग पे, तो सारे किते चर्चा का केंद्र एक ही रह गया कि तस्वीर पहला जफ़ी पाई सिद्धू का मकसद है की है। उन्होंने सारिया तस्वीरों के विचाले असं एक सवाल पूछना है, सिद्धू आए की लिया? अभी बहस क्यों कर रहे हैं सिद्धू तो सुनेहा, अब चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो दस दिए चार बिंदु होंगे, इन चारा बिंदुओं से चर्चा सारी घूमती दिखाई तुम देगी। पाकिस्तान में करतारपुर लांघे के समागम में शामिल होकर नवजोत सिंह सिद्धू वापस परत आए। भारत लिए रवाना होने तो पहला पाकिस्तान जताई आस दोस्ती का राह होवे पदरा, ये पाकिस्तान वाले पास उत्थे उन्होंने बयान दिता। भारत परत के सिद्धू ने की पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की शलाघा, इनते भी सियासत होगी तो हो रही है, क्या होर लांघे भी खुलन? अपरंपा प्यार संभावनावां प्रगति विस्तार गेट ऑफ प्रॉस्पैरिटी दोवें पंजाबां दे दिल जोड़ के आया नवजोत सिंह सिद्धू ने यह गल कही है, तो सियासत में किन्ने कबूल होंदे है तो यह समझ की कोशिश कर रहे। नवजोत सिंह सिद्धू कहते कि पहले सुन लिए, ये जड़ा काम शुरू होया एडा पवित्र है और पाक है कि अपने नाल ही हज़ार दरवाजे होर खोलेगा तो हज़ारा खिड़कियां भी नाल खोलेगा। It will open up floodgates to prosperity. ये कला लांघा नहीं है, ये इमरान खान साहब ने और भारतीय सरकार ने एक पारस नू छो लिया, ते पारस जिथे भी लगता है मिट्टी सोना कर दिंदा है, गौरव का संचार कर दिंदा है, चीज मैली हो धूमिल हो उसे उज्जवल कर देता है और जिसका मोल ना हो उसे अनमोल बना देता है। ये कॉरिडोर अपने आप में लोगों से संपर्क बनाएगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बनाएगा, खुशहाली लाएगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जैसे नारोवाल में जितनी ज़मीनें हैं एक एक एकड़ की किसानों के पास, आप देखिएगा कि उनका मोल कैसे बढ़ता है और वहाँ समस्त उन्नति का आधार है आत्मनिर्भरता, लोग आत्मनिर्भर कैसे होते हैं। अपरंपार प्यार संभावनावां प्रगति विस्तार फ्लडगेट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी दोवें पंजाबां दे दिल जोड़ के आया और आस नूं विश्वास ते हकीकत च बदल के बाबा नानक दे नाम दे नाल उन्हां दे आशीर्वाद दे नाल उन्हां दी रहमत दे नाल उन्हां दी मेहर दे नाल इस शहर नूं घट करके आया, यही साडी मंशा सी। और आउण वाले समय दे विच हो सकदा है जो वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि जंगा नहीं हो सकदियां, कि हो सकदा है कि बॉर्डर जुड़ जाण, हो सकदा है कि फिरोजपुर और अमृतसर दे बॉर्डर खुल जाण और विकास का जो असी इंतजार करते रहे हैं साडियां किस्मतां दे उत्ते ताले लगे रहे ने उहदा निवारण हो सके। हो सकता कि फिरोजपुर ते अमृतसर दे बॉर्डर खुल जाए, दोवें पंजाब तां लगता यही कुछ चुनते हैं क्या, पर दोनों सरकार की चुनदिया दोनों मुल्कों दियाँ, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सियासत इस दे विचाले अपने लांघे आ चढ़े वो दसदी है क्या कि सियासत किहड़ा लांघा टप्पेगी किहड़ा नहीं। वड्डा सवाल एक ही पुछांगे, नवजोत सिंह सिद्धू की पाकिस्तान फेरी भारत लई की सुनेहा लियाई? इस सवाल ते असीं बहस करांगे। खास पैनल साडा मौजूद हैगा, उन्हां तुहाडा तारुफ करा रहे हैं, डॉक्टर जगवंत सिंह ये अर्थशास्त्री तौर पर साडा मौजूद रहन के, इत्थे जगवंत सिंह जी तुहाडा बहुत स्वागत है। मोहम्मद खालिद पोलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर साडा मौजूद रहन के, सियासी जानकार ने, खालिद साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। डॉक्टर तारण संधु कांग्रेस ने, संधु साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। अमरजीत सिंह धारनी श्रोमणी अकाली दल तों, धारनी साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। हरजीत सिंह भुल्लर भारतीय जनता पार्टी तों, भुल्लर साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल भुल्लर साहब तुहानूं बनता, तुसीं सब तो वड्डी पार्टी है, तुहाडी पार्टी दी ही सरकार हैगी, भुल्लर साहब सिद्धू साहब उत्थों आ के की लैके आए तुहाडे मुताबिक? मैनू तो लगता है कि तुसीं सिद्धू साहब नूं बहुत वड्डा पता नहीं किसां बना लिया है,
ਲਾਂਘਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਗਏ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਸੁਨੇਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਆ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਜੋਸ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਹੀਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਲੰਗਾ ਦੇਣਾ ਸਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਖੇ ਪਕੜੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵਹੀਂ ਕੋਈ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਲੰਗਾ ਦੇਣਾ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜੀ ਬਹਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਰਨੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਚਾਵਲਾ ਮਿਸਟਰ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਫੋਟੋ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਚਾਵਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੱਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਵਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦੀ ਕਿੰਦੀ ਫੋਟੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੂੰਹ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਈ ਨਾ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਈ ਮੈਂ ਆਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿੰਨ ਚ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਤੀ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਦੂਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਦਿਖਾਓ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਦੂਜੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਨਾ ਦਿਆਂ ਯੂਟਿਊਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੇਖ ਲਓ ਫੋਟੋ ਤੇਰਾ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਫੋਟੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਆ ਫੋਟੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾ ਲਓ ਆ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਗੋਪਾਲ ਚਾਵਲਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਯਾਰ ਗੋਪਾਲ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਗੋਪਾਲ ਚਾਵਲਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੋਪਾਲ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੋਪਾਲ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆ ਇਸ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸੇ ਫੋਟੋ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਦਿਖਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੇਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਸੀਆਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਫੋਟੋ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਫੋਟੋ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਫੋਟੋ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਂਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਉਸਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਨ ਦਾ ਸਫੀਰ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬਰਫ ਪਿਘਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਾਈ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਦਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ 90 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਣ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕੁਝ ਨੇ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਤੇ ਡਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਦੋਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਹ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧੂ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਜਨਤਕ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਵਧੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਵਧੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕੱਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਰਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਖਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੌਫ ਵੀ ਖਾਣਗੇ ਜੇ ਦੋ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਆਏ ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਆਈ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪੈਨਲ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਆਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਈ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਟੀਮ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਈ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ ਫੋਟੋ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਆ
ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੋਪਾਲ ਚਾਵਲਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੋਪਾਲ ਚਾਵਲਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਮਰੇ ਦੀ, ਇਹ ਸੈਲਫੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਦੇ ਦਵਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਗੱਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਸੰਧੂ, ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਉਸ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਫਟਰ ਥੋਟ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਵਿਊ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 47 ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 10 ਲੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੇਰਵਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਰੀਜਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ MFN ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ 6 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਨਾਫਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। UK 'ਚ ਜੇ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰੀਜਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵੱਧਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਨੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, 2 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ ਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਾਰੀਫ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਫੋਨ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪ ਖੁਦਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡਰ ਉਹ ਹੈਗਾ
ट्रेड की भी गल है, देखो अज सब तो ज़्यादा साडा ट्रेड चाइना नाल है, पाकिस्तान का सब तो ज़्यादा ट्रेड चाइना नाल है, बंगलादेश का सब तो ज़्यादा ट्रेड चाइना नाल है, साडा आपस कोई ट्रेड नहीं है, इंडिया का ज़्यादा ट्रेड वाया दुबई पाकिस्तान के नाल है, सीधा ट्रेड नहीं है। ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिहड़े कि आपां डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि नवजोत सिद्धू जो उतो वापस आते हैं करते हैं बॉर्डर खुलने चाहिए। मैं तुम दसदा ये गल जी कल इमरान साहब इमरान खान ने भी यही गल कही है कि जी अच्छे रिलेशन होने चाहिए हैं, असी ओपन हाँ जी, फौज भी मेरे नाल है, असी कट्ठे इस चीज़ को करांगे, लेकिन ग्राउंड के उपर उस चीज़ को ट्रांसलेट करना जोड़ा है वो बड़ी मुश्किल गल हुई पी है, वो वजह हैगी है, लांघे की गल कर रहे हो, इधर भी लांघा खुल गया उधर भी खुल गया, खुलिया तो नहीं ना हजे, तुसी ओ देखना है भी वीजा किमें मिलेगा, किस तरह लोग जाएंगे, क्या ये थोरोफेयर होएगा, सारिया चीजा जगह जब तक ग्राउंड नहीं आदि उस वे तक आप कुछ नहीं। मैं तुम दसदा एक मिनट मेरी गल सुनो, अगर कल यही रिलेशनशिप इस तरह ही रहा या इस तो भी खराब होंगे जेडे कि अक्सर हो ही रेंदे हैं तो थोड़ा लांघा जोड़ा है बिच ही रह जूगा, नवजोत सिद्धू ने भी अपनी पोजिशन डिफेंड करना मुश्किल हो सकता है, सिचुएशन जी है आ सकती है। इस करके ये सारिया सिचुएशन आप तद ही टैकल कर सकते हैं जिस वेले क्रॉस बॉर्डर टैररिज्म का मसला और होर जे मसले है आउटस्टैंडिंग है, जिमें कि उन्होंने कहा जी कश्मीर का मसला, कश्मीर का मसला असं कहने जी कश्मीर का मसला है ही कोई नहीं, वो कहें जी कश्मीर का मसला, ये सारिया इशूज जब तक इकट्ठे होकर डिस्कस नहीं होंगे और एक कॉम्प्रीहेंसिव डायलॉग नहीं होंगे उस वे तक ये सब डायलॉग है। मोहम्मद खालिद साहब तुम जी गल कह रहे हो ये ठीक है, ग्राउंड जो तक कुछ दिखता नहीं गा असी उन्होंने चीज़ों बारे चर्चा नहीं अगे बता सकते। सवाल यह है कि जो लीडर यह गल कहते हैं कि ये सानू कोशिश तो करनी चाहिए है ना, जिस तरह की उत्थे कल इमरान खान ने गल की है या टेसिटली जिहड़ी साडी सेंटर गवर्नमेंट है उन्होंने अपने दो मंत्री भेजे हैं वो कोई उत्थे गुल्ली डंडा खेडने तो भेजे नहीं है, उन्होंने एक कैबिनेट का जिहड़ा डिसीजन है इंडियन गवर्नमेंट जिहड़ी एक बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट है अगर उन्होंने फैसला लेता लांघे का और अपने दो मंत्री भेजे हैं यदा मतलब कितना कितने मंशा तो गुड रिलेशन बनाई हैगी इधर भी इस करके होया ना, अगर सेंटर गवर्नमेंट या केंद्रीय कैबिनेट ना चाहती कुछ भी नहीं हो सकता सीगा। इस करके ये दोनों चीज़ा जी है उधरों भी तो इधर भी अगर इन अगे वधाया जाऊगा तो ही कोई फायदा है नहीं। खाली एक गल तुम होर भी कही थी कि भी हजे लांघा खुलिया तो नहीं ना जी, ग्राउंड आया तो नहीं ना बिल्कुल। तारनी साहब हरजीत भुल्लर तारा संधू जे मैं तो सीधा तुहानूं कह रहा जे तुसीं सारे लोग इहो जी सियासत करोगे ना मैं माफ़ करना मैं कहना पै रहा ये चीज़ा जमीन पर नहीं उतरनगियां जिस तरीके ना तुसीं सारे सियासत करदे हो पहला जवाब तुसीं दे दो भुल्लर साहब। गल इस तरह है कि असीं कोई सियासत नहीं कर रहे, पाकिस्तान के नाल हालात सुधारन वास्ते जिहड़ा भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान च आए ने उन्होंने कोशिश की है और बीजेपी के दो प्रधानमंत्री आए ने चाहे अटल बिहारी वाजपेयी सीगे उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन वो जिहड़ा वापस मिलिया वह बहुत बुरी तरीके मिलिया पाकिस्तान को और मोदी जी ने भी की, लेकिन उच्च भी जिहड़ा पाकिस्तान ने सानू वापस किया बहुत बुरे तरीके किया। सरकार जिहड़ियां सेंटर की हैगी है चाहे कोई भी रही हो, लेकिन बीजेपी की सरकार ने अपने वालों पुरजोर कोशिश की है कि पाकिस्तान नाल रिलेशनशिप जिहड़ी है चंगी बनाई जा सके और ये जिहड़ी कोशिश है वह यही एक नतीजा है जिहदे विच लांघा नवजोत सिद्धू और इमरान खान नहीं होंगे उत्थे पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट होंगी है इमरान खान ने मोदी साहब का जिक्र भी नहीं किया मैं ना करे जी क्यों करूगा क्योंकि मोदी सरकार उन्होंने अत्तवादियों को मार रही है रोड पांच सात ठोक रही है थे ठीक है और क्यों करने एक छोटा ब्रेक लेना एक छोटा ब्रेक लवेंगे ब्रेक तो वापस आवेंगे। जिन्नियां भी कोशिशां चलदियां हैगियां जिन्नियां भी दीवारां ढोण दियां कोशिशां कीतियां जा रहियां सरहदां मिटाउण दियां कोशिशां कीतियां जा रहियां लकीरां खत्म करन दियां कोशिशां कीतियां जा रहियां उहदे विच सब तो वड्डा मुद्दा दहशतगर्दी उस दहशतगर्दी दे विचाले अर्थचारा मजबूत होवेगा किवें गरीबी मुक्त दोनों मुल्क होणगे किवें ते कर्जा मुक्त देश होवेगा किवें बेरोजगारी घटेगी किवें उस दी गल क्यों नहीं कोई करदा पिया।
तस्वीरां दे विचाले सारी सियासत रुकी हुई है, एजेंडा सिर्फ एक है, धार्मिक भावना भड़का के एक दूजे लड़ाई जाओ तो शांति की गल जो तो तुरदी है कि उस अगे ना तुरो। ब्रेक तो वापस आ रहे हैं, ये सारे सवाल लैन की कोशिश करा कि असं यह नहीं चाहते गे कि दोनों मुल्कों के विचारे जी डिप्लोमैटिक टॉक है की है उसते कोई असर पवे। असं यह चाहते हैं कि दोहे मुल्क है उन्होंने जी सियासत है की है जेडे इतों के लोगों की इतों के बछिंदियों की आवाज़ है की है दोनों मुल्कों के बछिंदे की आवाज़ है की है उसको सुने जरूर। ब्रेक तो वापस आ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की पाकिस्तान फेरी भारत लिए की सुनेहा लाई अमृतजी धारनी, एक पोलीटिकल रोल हों दोनों मुल्कों के विचारे उस पोलीटिकल रोल से सवाल है कि क्योंकि सिद्धू तो कह रहे इमरान खान का दोस्त है सिर्फ तो दोस्त उत्थे जाया गल खत्म। तारा सिंह संधू उन्होंने गल की, खालिद साहब ने गल की, बहुत ही कमाल की गल की कि सिद्धू साहब उत्थे गए है वो मंत्री है पर देखने वाली गल यह हैगी है कि पंजाब हिंदुस्तान गौरमेंट ने दो कैबिनेट मिनिस्टर उत्थे भेजे उन्हां दी पोजीशन उत्थे की रही। देखो एक गल मैं विच कह देनी चाहुंदा है कि असी भी चाहुंदे हैं कि भाईचारा बधे अर्थ ट्रेड बधे पर इस दा जिहड़ा मैं समझदा कि आपां ज़्यादा बहस नूं अगे ले जाने हैं उन्हां दी कोई गल नहीं विच आई हैगी। वह बंदा जिहदा पंजाब दा चीफ मिनिस्टर यह कह रहा कि असी इहनूं भेजिया नहीं, असी इहनूं इजाजत नहीं दित्ती, मैं इन्हू रोकया और यह उत्थे जाके जिहड़े हैगे इस तरह दी स्टेटमेंटा दे रहे हैं जिहड़ियां इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ है नहीं देनिया चाहिए सी। दूजी गल ठीक है उत्थे जेड़ी इमरान खान साहब की गल हैगी है उन्होंने भी जेड़ी तोहीन की है मैं ये समझदा कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट के बारे कोई गल नहीं की गई उत्थे और केवल कसीदे जेड़े एक उस बंदे लिए पढ़े गए इन्होंने गल की कि सिद्धू साहब सुषमा स्वराज तो परमिशन लैके फिर गए हैं। देखो पहला भी वह अपने परसनल फेरी से गए है, दूजी बार भी वह जाति जिहड़ा उन्होंने सदा आया उस ते गए है। मैं एक गल बिल्कुल क्लीयर कर देनी चाहना कि हिंदुस्तान इस लांघे का और हिंदुस्तान के बॉर्डर खोलन का पाकिस्तान के नाल बॉर्डर खोलना दोवें डिफरेंट चीजा है। स्टेटमेंट का जवाब दे दो, स्टेटमेंट का जवाब नहीं देते। हाँ जी हाँ, सिद्धू गदार तो नहीं है कि है गदार नहीं। देखो असली सारा ने स्टेटमेंट दी थी जो जन्ना बाजवा जफ्फी पाई सी तुसी सारे ने कही सिद्धू गदार। देखो आज ए शब्द जां तां वापस ले लो जां कह दो सानू ए सवाल पसंद नहीं। देखो मैं एक गल दसदा तुहानू जिहड़ा भी एलीमेंट हिंदुस्तान दी जिहड़ी यूनिटी हैगी है हिंदुस्तान दे उपर नू अख करन वाली गल कर रहा है उस दे नाल जिहड़ा जाके हथ मिलाऊगा तो जरूर जिहड़ा है हिंदुस्तान का आवाम यही गल कहूगा। हिंदुस्तान का आवाम दी सियासत की कहंदी है सिद्धू गदार है अज भी सिद्धू गदार है तुसी क्या सिद्धू गदार है। देखो चावले नाल फोटो देख लो की कह सिद्धू गदार है फिर सारे गदार है। नहीं ये गलत गल है इस चीज दे विच एक चीज बड़ी बड़ी हो हैगी है ठीक है सिद्धू सिद्धू अज भी मैनूं गदार लगदा है। अज मैनूं एक गल दसो कि यह चावले का जिहड़ा कुछ दिन पहला एडा जिक्र आ रहा है उस चीज चावला ने पाकिस्तान चलाउणा देखो पाकिस्तान दे जिथे प्राइम मिनिस्टर आउंदा है उत्थे चिड़ी नहीं फड़क सकदा और तुसी उत्थे जिहड़ा हैगा एक आम बंदे नूं जिहड़ा कहिंदा मैं खालिस्तान की गल करदा असी और उसने नारे उत्थे इह लाए खालिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद ठीक है और उस दे नाल हाथ मिलावे उस दे नाल फोटो मेरे वर्ड तारनी साहब मैंने एक चीज दसो मेरे पौड़ा जी थोड़ा जा नहीं एक मिनट ठहरो जेड़ा वो फंक्शन है उस फंक्शन दे विच जेड़ा गोपाल चावला नु बुलाया ओहो सेक्रेटरी है पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा इस करके उन्हें बुलाया गया नंबर एक। नंबर दो उत्थे कोई नारेबाजी नहीं हुई। तीसरी गल हैगी है अगर गोपाल चावला नु इन्ना ही ज्यादा होगा जेडे कैबिनेट दे मंत्री उत्थे दो बैठे थे उन्होंने नहीं बायकॉट किया उस फंक्शन नु कि जी इत्थे बंदा हैगा इस तरह दी गल नहीं हुई है इसे करके वो एक इंसीडेंट है कि वह बंदा भी उत्थे सीगा और इन्होंने बिल्कुल सही गल की है कि ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਾਰਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫ ਲੈਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਸਲਾ
इस मुल्क दे विच गल करदे तुहानू ये स्टेटमेंट उत्थे जाके पाकिस्तान दे विच जाके नवजोत सिंह सिद्धू दी पसंद आई है कांग्रेस पार्टी नहीं मैनू मैनू ये चीज़ ये भी नहीं पसंद आई तो इमरान खान का साडे मतलब सेंटर गवर्नमेंट बारे कमेंट करना भी मैनू अंदरूनी मसले असीं आप हल करांगे पर जे जे उन्होंने जिवें कश्मीर का इशू उत्थे उठाया मैं समझदा कि इहो जे फंक्शन च उत्थों दे प्राइम मिनिस्टर नूं कश्मीर का इशू नहीं सी उठाउणा चाहीदा ठीक है मोहम्मद खालिद साहब तुसीं सियासी जानकार हो इमरान खान साहब दा जिहड़ा भाषण सीगा नवजोत सिंह सिद्धू की स्पीच सी हर सिंह को बादल की स्पीच सी उन्होंने सारे संबोधन के विचाले तुहानू किहड़ा कमजोर लग्या ते किहड़ा डिप्लोमैटिक तरीके नाल बहुत ताकतवर लग्या देखो मैनू ऐ लगता क्योंकि धार्मिक समागम सीगा नहीं धार्मिक समागम सीगा उहदे विच जिहड़ा उन्होंने जिस कंटैक्सट दे विच इमरान खान ने गल कीती है वह कंटैक्सट यह सीगा कि असी सारे मसले जिहड़े हैगे आ हल करना चाहुंदे आ ताकि अमन ते शांति होवे उहदे विच कश्मीर दा मसला भी इक हैगा उन्हें कश्मीर दा रेफरेंस इस करके दिता जिते तक सवाल है कि उस जगह ते करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था ये एक मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है लेकिन अगर वह कश्मीर दी गल उन्हें एक सेंटेंस दे विच कह भी दिती इहदा मतलब यह नहीं है कि उहदी मर्यादा जिहड़ी हैगी है उस फंक्शन दी भंग हो गई है इस तरह की कोई गल दूसरी चीज़ हैगी है अपने बीबी हरसिमरत कौर बादल भी बहुत अच्छे तरीके नाल बोली और बहुत ही कंटेंड तरीके नाल बोली कोई भी फालतू शब्द इस तरह का इस्तेमाल नहीं किया और इसे तरीके दे नाल नवजोत सिद्धू दी मैंने स्पीच सुनी है उन्होंने दोनों दे विच अच्छे रिलेशन्स दी गल की पुरानिया चीज़ों की उन्हों गल की यानी कि स्पीचा बैलेंस सीगियाँ नवजोत सिद्धू का अपना एक स्टाइल है उस स्टाइल दे विच ही फ्लेम बॉयंसी जिन्हों आप कहते उस स्टाइल दे विच उन्होंने गल की तो इस करके मैनू इन्हां स्पीचां दे विच इमरान खान का ऑफकोर्स अगर एक है कोई किसी के इंटरनल मामले च कोई दखल दे इस तरह की चीज़ नहीं है हाँ जिहड़े साढ़े दो मंत्री उत्थे गए हैं उन्होंने प्रोटोकॉल के मुताबिक प्रॉपर अगर आओ भगत नहीं हुई ये मैटर ऑफ कंसर्न साढ़े वास्ते हो सकता है ठीक है डॉक्टर जगवंत सिंह जी हाँ जी जो अर्थचारा मजबूत हो खुशहाली आँदी है योजना जिहड़ियां छोटिया गल्लां ते भी असीं चर्चा करनी भुल जांदे हैगे जो साडा अर्थचारा मजबूत नहीं होगा साडा जिहड़ा नौजवान आ उसनू रुजगार नहीं मिलेगा असी फिर इहो जिहियां बहसां ही करांगे ना विकास की गल करांगे ना साडे एजेंडे ते होवेगा कि शांति बहाली होवे अर्थचारा साडा मजबूत होवे साडा सिर्फ ये एजेंडा होवेगा कि असी मीन में कढ़ीए उन ते चर्चा करिए ते लोकां नू बुद्धू बना दईए बस नहीं जो एक शांतमय माहौल है उहदा अच्छे व्यापार अच्छी इकोनमी दे इक अपने तरीका ना बहुत इंपोर्टेंस है पर इकोनमी के उत्ते जिहड़ी पॉलिटिक्स है उहदा भी एक बड़ा गहरा संबंध हुंदा है ते पॉलिटिक्स दे नाल नाल जो समाजिक इशू हुंदे आ उहनां दा भी एक संबंध हुंदा पोलीटिकल पार्टियां इस नूं अपने तरीके नाल लैणगियां मैं बहुतियां स्पीचां नहीं देखियां मैं पढ़ियां अखबार के तौर पर पर मैं इस गल नूं कहांगा कि जे आपां इस रमेन में करिए कि किस दी किस तरह फोटो है ये कोई मुद्दा नहीं है किसी भी फंक्शन से जिहड़े भी मेहमान के तौर पर गए हैं वह चाहे लौंगोवाल होवे चाहे नवजोत सिद्धू होवे चाहे हरसिमरत कौर होवे उत्थे जो भी बंदे आए हैं उन्होंने कोई भी फोटो खिंच गई है तो किसी भी तरीके की किंतु परंतु करनी नहीं बनती यह सिर्फ होस्ट की जिम्मेदारी होंगी है मैं संधु साहब ने इस गल सहमत हाँ कि उन्हें कहड़े कहूँ मेहमान सद्या वो उस सा किंतु परंतु करना नहीं बनता सारे बंदे जो उस फंक्शन पर से वो अपनी किसी ना किसी कपैसिटी से लौंगोवाल एस जी पी सी के प्रधान के तौर पर सी जो जो गोपाल चावला है वो अपने पाकिस्तान की गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के तौर पर सी बेशक उन्होंने जो कार्रवाइयां सानू अपने सानू चंगी नहीं लगदियाँ क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो साडे हिंदुस्तान लिए बिल्कुल सिखावा नहीं है उस तरीके बाकी जो बंदे वो अपने किसी कपैसिटी के सके और सब ने तकरीबन उस कपैसिटी के हिसाब से रोल प्ले किया कितने ना कितने कोई लफज किसी मौके इदा का कहा जाता कि जिसनों आप पकड़ लें मसलन कि इमरान खान का यह कहना कि साढ़े कश्मीर मुद्दा है मैनू जो तुम जाति तौर पर पूछो मैं इस बच्चे भी कोई अजीब नहीं लगता कि हिंदुस्तान के हरेक प्रधानमंत्री ने वक्त पर जो गलबात का माहौल आया तो उन्होंने ये कहा कि असी सारे मुद्दों पर इनकलूडिंग कश्मीर के मुद्दे पर गल करने तैयार हैं तो इस गल जो आप बिल्कुल इनकारीए कि हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा ही नहीं है तो यह गल्ला तो जो साढ़े अपन गवर्नमेंटा गल चलती रही है वो भी यह मुद्दा इस तरीके नहीं सब ने इस
कुछ चैनल कल देख रहा कुछ चैनल ऐसे है जेडे अगर उत्थे 100 पॉजिटिव गल्लां होईयां उन्हां सारयां नूं खूह च सिट के एक नैगेटिव गल ते ही चर्चा हो रही। मैं इहनां दी गल नूं कंटिन्यू करदे कहिंदा बिल्कुल बई नैगेटिव ते फोकस करन दी जरूरत नहीं है। जे तुसीं इक जिहड़ी तस्वीर दे दीवार ते लिखिआ जां अखबारां ते लिखिआ उस तों एक अलग होके जे तस्वीर नूं पछाणन दी कोशिश करो जिहड़ी राजसी पार्टी नहीं मनणगीआं चाहे ओह कांग्रेस होवे जां अकाली होवे बीजेपी होवे किसे लई वी मनणा सौखा नहीं है कि इह लांघे दे विच जो एक तारुफ जो एक कह लो कि इनफॉर्मल फ्रेंडशिप दो क्रिकेटर दी सी उन्हें बड़ा रोल प्ले किया और उसने इसनों फैसिलिटेट किया उदे करके सरकारों दोनों सरकारों ने एक पोजीशन लेनी पई भी असीं इसलिए हाँ करते हैं ते अदरवाइज करना पेगा ना उस दोस्ती नूं एक्सेप्ट करना पेगा और इस गल नूं मनना पेगा कि जे अज तो इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने तो पहला नवजोत सिद्धू इत्थे अपने मिनिस्टर सी तद भी कुछ नहीं होया ते सरकारां आपस विच गल करिए तद नहीं होया जो दो बंदे है उन्होंने आपसे तारुफ करके कई चीज़ें फैसिलिटेट हुई हैं पर फाइनली फैसला गवर्नमेंट कर दी है। हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने भी किया कि असं करना चाहते हैं वो करके कोरीडोर बन रहा है उसमें सबको वेलकम करना चाहिए तो इससे कोई कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी नहीं करनी चाहिए। ठीक है बहुत आशावादी गल हूँ निकल के आई है एक छोटा ब्रेक लवेंगे ब्रेक तो वापस आवेंगे। दोस्ती का दायरा वड्डा करना पवेगा आशावादी सोच अपनानी पवेगी विजन वड्डा करना पवेगा वड्डी सोच है जड़ा वड्डे रंग है जड़े वो वड्डी तस्वीर खिंच सकते हैं क्या जड़ियाँ तस्वीर असी तुसी देखते पे है क्या असी भी वो तस्वीर चला रहे हैं उन्होंने तस्वीर पर चर्चा करते शायद तुहाडे पल्ले कुछ भी नहीं पैना सी क्योंकि सारे उन्होंने तस्वीर देख रहे हैं उन्होंने तस्वीर के पिछे भी कोई दुनिया हैगी है जे इन्हों तस्वीर के खड़े तुम सारे गदार लगते हैं क्या इन्हों केस दर्ज करवा दो इन्हों जेलों च पा दो कली सियासत करना इन्हों तस्वीर तड़के ला के कुछ नहीं मिलना उन्हों की गल करो जोड़े जवान सरहद पर मारे जा रहे हैं उन्हों की गल करो जी बेरोज़गारी भुखमरी साड़ी जवानी खत्म कर रही है उन्होंने गल क्यों नहीं करते असी सिर्फ सरहद पर खून डोल के उन्हों तो वोट बैंक की खेती करते हैं तो लाणत है साड़ी सियासत है ब्रेक तो वापस आ रहे हैं सारे सवाल पूछूंगा जरूर। सिद्धू की पाकिस्तान फेरी भारत लिए की सुनेहा लिया मोहम्मद खालिद जी जदों विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ये गल कहन कि लांघा तो गलबात है जी वो अलग अलग हिस्से है क्या तो असी उन्होंने वो तो गलबात नहीं कर सकते जो तक करो टैररिज्म खत्म नहीं करते दहशतगर्दी खत्म नहीं करते जे दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती ये दहशतगर्दी बहुत पुराना मुद्दा हैगा तो फिर असी अगे भी नहीं बढ़ सकते ना मतलब देखो गल ये सिर्फ सुषमा स्वराज ने नहीं बल्कि साड़ी फौजा दे जरनैल ने भी यही गल की है काफ़ी हद तक इंडोर्स किया इस गलू गल हैगी है कि जिस वेले इंडिया तो पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है ना बड़ी जटिल है कई कंपोनेंट है वो जो जोग्राफिकल कंपोनेंट है टेरिटोरियल है वह जोड़ा है असी जब तक पार्टीशन की बिटरनैस न परे करके एक नवे आयाम दे विच अगे नहीं बदना चाहते दोने उस वेले तक आप जो है अगे वध ही नहीं सकते ये कोई दो राय मोहम्मद खालिद जी कह रहे हो ना जी गल कह रहे हो मोहम्मद खालिद यह नहीं है कि इतों का मीडिया कहोजी भूमिका निभा रहा है जो उतों का उत्थे भी चर्चा में यही चलती है हिंदुस्तान ने आता नहीं नहीं मैं दसदा जिस वेले इंडो पाकिस्तान रिलेशन नू अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स दे विच इलेक्शन दे विच इस्तेमाल करते हो जिस वेले तुसी इंडिया दे पाकिस्तान दे रिलेशन्स नू ए भुल के कि ए साडे दोनों दे हित दे विच है उहदा पोलिटिकल इस्तेमाल करते हो या आपां ये देखते हैं कि जिस वेले इंडिया पाकिस्तान रिलेशन की गल हुंदी है दोनों कंट्रीज़ दे विच पॉलिटिक्स दे विच एक कंपोनेंट ऐसा है जेड़ा नहीं चाहता कि इंडिया ते पाकिस्तान दे नाल रिलेशन दोनों कंट्रीज़ दे विच दोनों कंट्रीज़ दे विच इस तरह ऐसे ऐसे एलीमेंट्स नू दूर करके जद इहदी पॉजिटिविटीज़ नू अगे लियाउण दी कोशिश की जाएगी चाहे वह ट्रेड है चाहे कॉमर्स है चाहे लोगों का आना जाना है चाहे कल्चरल को एक्सचेंज है ये सारिया चीज़ा जिहड़ियां हैगियां जद तक नहीं होंदियां उस वेले तक आपां गल्लां हैगियां उन्हें जमीन से उतारना जो है बड़ा मुश्किल होगा इनकलूडिंग टैररिज्म का मुद्दा क्रॉस बॉर्डर टैररिज्म का मुद्दा जिहड़ा कि बहुत पर कोई तो होवे ना जिहड़ा भूमिका निभावे कोई तो भूमिका जिहड़ी है सरकारां नूं ही निभाउणी पैगी सरकारां नूं निभाउणी पवेगी। हरजीत भुल्लर साहब तुसीं पाकिस्तान के प्रति तुहाडी पॉलिसी है जिहड़ी वो कुछ बदली है हाँ क्योंकि जे तुसीं कह रहे हो भी सरकार ने फैसला किया नवजोत सिद्धू कौन इहदा मतलब तुसीं पाकिस्तान के प्रति जिहड़ी पॉलिसी सी उहदे विच कुछ बदलाव लिआंदा देखो पॉलिसी च कोई बदलाव नहीं है
लांघे जी सुषमा स्वराज जी ने गल कही है कि लांघे का बाकी जो टॉक्स चल रही ने जां बाकी जो प्रॉब्लम्स ने उन्होंने कोई लिंक नहीं है। लांघा सिखा की एक डिमांड सी बहुत देर तो वह डिमांड पूरी होगी। वो एक चीज़ का सिर्फ हल होया कि ठीक है वो डिमांड पूरी होगी हम आराम से जाके उ दर्शन कर सकेंगे। लेकिन अगर अं कही भी उस लांघे सारी चीज़ें सॉल्व हो गई, टैरिज्म सॉल्व हो गया, साड़ा जो व्यापार का सिस्टम से सॉल्व हो गया, जो सा आपस में डायलॉग्स चल रहे थे वो सारे खत्म हो गए, वो नहीं खत्म हो। नहीं मैं सवाल बड़ा सीधा किया, मैं सवाल यह किया करतारपुर लांघा पाकिस्तान प्रति तुहाडी पॉलिसी का कोई हिस्सा नहीं है। पॉलिसी का हिस्सा सीगा, पॉलिसी का कली बीजेपी सरकार का नहीं सीगा, यह 2004 तो जो मनमोहन सिंह की सरकार सी उदों तो डिमांड चल रही थी, उदों तो चिट्ठी पत्र आपस चल रहे थे। लेकिन वो जाके हुण असली अमला जो है दिता गया कि तुहाडी सरकार ने 4.5 साल कोई गल की करतारपुर लांघा, बिल्कुल हुई है। और एक टाइम के उत्ते जी पाकिस्तान सरकार सी उन्हें बिल्कुल ना करती थी, असं नहीं देना चाहते। लेकिन दोबारा तो शुरुआत हुई है और अगर कई सिरे लगी है मैंने लगता है कि सानू लांघे के उत्ते सियासत करनी नहीं चाहिए हैगी। अगर कोई सिखा की डिमांड पूरी हो गई और सरकार ने उस अहम रोल अदा करता वो खत्म हो गई। और जो बाकी दीज़ा ने जो बाकी चल रही है, चाहे वह कश्मीर को लैके है, चाहे टैरिज्म लैके है, चाहे आर्मी से दोनों साइड के जो रोल ने उन्होंने लैके गल है, उन्होंने लांघे आके सिर्फ खत्म नहीं कर देना चाहिए, एक सैपरेट इशू ने। लांघे तो अगे तुरै जा सकता है, लांघा अपनी जगह पर। अच्छा लांघा जो आप हम कह दिए कि लाइन एक ही है, लाइन एक ही अमृत धारनी लांघे तो अगे तुरै जा सकता कि नहीं फ्यूचर कर रहे हैं। लांघे का जिन्ना प्रोस्पेक्टस है इस लांघे च दोहे पासे आवाजाई नहीं होनी है, सिर्फ सिखा उधर अपने गुरु धामा ते मत्था टेकन लई जे कोई उधरों महमदन आउंदा है इधरले पासे नूं उहने इस लांघे राही नहीं आउणा, उसने जे इंडिया दे विच आउणा तां वीजा लेके आउणा है। सिर्फ हिंदुस्तान दे विचों जिहड़े सिख लोक गुरु नानक नाम लेवा हैगे आ वन वे लांघा हैगा, ना कि तुसीं तां बहुत अगे चले गए कि जी उत्थे व्यापार वधूगा, ये वधूगा, वो वधूगा, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा इक पर्ची लेके सूरज छिपण तो पहला जिहड़ा हैगा इंसान नूं बाहर आउणा पैंदा। तारा संधू इह कह रहे तुसीं तां बहुत अगे वध गए, नवजोत सिंह सिद्धू ने हवा च ही सारियां गल्लां करदे। देखो जी जिहड़ी इमरान खान हुणां दी तकरीर है उहदे विच उहनां ने जिहड़ा गुरबत दा जिक्र कीता ते उहनूं अर्थचारे नाल जोड़ के उहदे ते काफ़ी उहनां ने स्ट्रैस दित्ता। मैं उस बारे होपफुल हैं कि पाकिस्तान दे विच किसे ना किसे तरीके नाल इह हुण रीथिंक हो रिहा है कि इह जिहड़ी तनाव है इन्हें साड़ी आर्थिकता नूं तबाह कीता है और साडे ते पाबंदियां भी दूजे देशों वालों जिहड़ियां उह लग रही हैं, क्योंकि उहदा एक्सपीरियंस जिहड़ा अफगानिस्तान सी रोल दा तालिबान च उहदे माड़े रिजल्ट निकले, यूरोप च उहदी बदनामी हुई, कौमांतरी तौर ते हुई, साडे नाल जिहड़ा तनाव है इहदे नाल भी बदनामी हुई, इस खित्ते च तनाव वधिया, तां ही तां सार्क पाकिस्तान चोण जा रही है, अजे तक साडी इंडियन गवर्नमेंट कहिंदी भी असीं उहदे च पार्टिसिपेट नहीं करना। इह सारियां चीज़ां अपनी थां है, पर मिलटरी साइंस च इक शब्द आउंदा टर्मिनोलॉजी सीज़फायर। मैं समझदा कि इदूं गां सीज़फायर करना चाहिए कि भाई आओ टेबल ते बैठ के आ इशू 21वीं सदी दे है ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਚ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੀਜਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਤਵਾਜਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਆ। एक तो MFN का दर्जा जो पाकिस्तान वालों सानू क्यों नहीं दिता जा रहा, सवाल यह है। दूजा जो नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा अमृतसर से फिरोजपुर के बॉर्डर है जी खुलने की मैनू तो उम्मीद जापती है, इन्ह दो सवालों के जवाब दे दो। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का कंसैप्ट है ना वो ये है कि जो असी कोई चीज़ इंपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे तो बाकी जिस तो असी मैक्सिम जो असी चार्ज कर रहे हैं उस तो ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। तो इन मोस्ट फेवर नेशन जो लोग देखते हैं ना उन्होंने उस कंसैप्ट नहीं देखते, कहते हैं शायद असी उस कंट्री ने बहुत वधिया काम कर रहे हैं। जे कोई दो कंट्री आपस में मोस्ट फेवरेट नेशन का एक आपस में कह लो कि अहम कर द अपना अहद करते हैं तो वो दोनों फायदा होंगे, पर क्योंकि टर्मिनोलॉजी इकनोमिक जो किसी मौके मोस्ट फेवरेट नेशन की शुरुआत हुई और टर्मिनोलॉजी इदा दे भी ए करके सियासत शुरू हो जाती है तो उसको बंद कर देंगे। अदरवाइज जोड़े एक एरिया एक एक खिते कंट्री रेंदे है वो जो एक दूजे इस तरीके का मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस देंगे तो यह नहीं कि उन्होंने कोई फेवर कर रहे हैं, वो दोनों एक दूजे फेवर कर रहे हैं।
कि जे मैं चाइना तो एक रेट से चीज़ इंपोर्ट कर रहा उस पर मेरा रेट 10% कस्टम है तो मैं था तो 10% ज़्यादा नहीं रहूँगा। हरदीप पुरी हर तकरीर भी सुनी होगी जो तो वापस परते हो बॉर्डर तो उन्होंने भी आके इतने गल कही है कि मैं उस महकमे च रहा मैं बड़े चिर काम किया है पाकिस्तान पता नहीं क्यों मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन था मैं थोड़ा क्या कि सिर्फ सियासी गल है नहीं नहीं जब तक व्यापारी वर्ग सेम पेज ते नहीं आता क्योंकि व्यापारी वर्ग उत्थे दा ए सोचदा है भी शायद अगर MFN हो जाता दोनों का तो इंडियन गुड साढ़े ज्यादा आनगे साड़ी मार्केट नू डोमीनेट करनगे जिदी वजह करके साड़ी ट्रेडिंग ते मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट होगी उन्हां वल्लों इस चीज़ की अपोजिशन है मतलब मेरे हिसाब नाल कि वह एक दोस्ती का पैगाम लेके आ जो कोरीडोर का मुद्दा आ उन्होंने एक बड़े यह जे मोड़ ते लैके जिथे असीं उम्मीद कर सकते हैं कि बई शायद बर्फ कुछ पिघलेगी तारा संधू सिद्धू की राय बिल्कुल मैं समझदा कि इहदे नाल एक तजर्बा पहला भी फिरोजपुर दे विच एक पीर दी मजार ते मेले का होया यह दूजा वड्डा जिहड़ा यह तजर्बा होण लगा उदू वड्डा मैं अगे नालों अगे नालों वध कदम है और मैं समझदा कि यह सीस पैर करके वीजे खोलने चाहिए खास तौर पर उन्होंने परिवार सब तो पहला जिन्हों के एक दूजे पास 10 लाख बंदा मरे हुण पिछे एक तस्वीर भी आई सी 71 साल बाद 71 साल दो भैन लास्ट कमेंट देखो मैं सिद्धू है की लिया देखो इदा एक पॉजिटिव डिवेलपमेंट है कोई भी व्यक्ति चाहे नवजोत सिद्धू है चाहे कोई गवर्नमेंट लैवल से है अगर इंडिया तो पाकिस्तान के रिलेशनज हमवार करने मदद करता है तो उन्होंने आप सारे वेलकम करना चाहिए चलो बहुत धन्यवाद खाली साहब तुहाडा तारा संधू तुहाडा तारनी साहब तुहाडा हरजीत पुल्ला तुहाडा डॉक्टर जगवंत सिंह तुहाडा सारे मेहमानों का बहुत धन्यवाद करते हैं असं तो दोहां मुल्कां की सियासत को भी अपील करते हैं कि अपनी सियासत को पासे रख के दो मुल्कां ते अगे वधन बारे सोचो दोहां मुल्कां दे बशिंदे आ जिहड़े उह सोचते रहिंदे आ कि असीं अगे किवें वधना हैगा दोहां मुल्कां दे मीडिया जे जिम्मेवारी अपने वधिया तरीके नाल निभावेगा तो शायद कुछ चीज़ां सौखियां हो जाणगियां कल्लियां तस्वीरां ते तनाव पैदा करके असीं कुछ हासिल नहीं कर सकते तस्वीरां इहो जिहियां होण कि दो मुल्क इकट्ठे एक मंच ते खड़े होण इह हो सकता है कि मैं वड्डी गल कह रहा होवां सोचना तो पवेगा ना जे सुपना नहीं सजावांगे तो पूरा होवेगा किवें सुपना लो बहुत धन्यवाद